करना सिखाऊंगी, जो हमारी दिवाली की पुरानी माला होती है इस टाइप की, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लावर बुके में अपने वास में रखने के लिए। इसमें हम पहले लगाएंगे फ्लावर टेप, फ्लावर टेप लगाएंगे, गाइज अब मैंने इन पे टेप लगा लिया है और ये बैम्बू स्टिक है हमारी, ठीक है। अब मैं इसको माला को कट कर लूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैं सब यही मटेरियल यूज़ करूँगी, बाहर से कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। ये जो इसके स्ट्रॉ इसके अंदर ही थे, और डिपेंड ऑन यू कि आप कितना गुथावा फूल बनाते हैं इसमें। मैं दो दो लेयर ले रही हूँ फ्लावर्स की। बस इसको हमें ऐसे हमें इसको स्टिक में डालते जाना है। ये बहुत सुंदर फ्लावर्स लगेंगे। और गाइज इसमें आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, बस एक टेप के पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। टेप जितने का भी आएगा, 10 रुपीज़ का टेप आता है वैसे ये ग्रीन टेप। थोड़ा सा बैम्बू स्टिक मोटी होती है, पहले ये धागे में डले होते हैं तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, इसलिए इसका होल कभी कभी फ्लावर्स का बड़ा भी करना पड़ेगा आपको। मुझे तो ये फ्लावर्स बनाने का आइडिया गाइस बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हमारी मालाएं चार पाँच, मेरी मालाएं तो स्पेशली 3 साल पुरानी हो गई हैं और अब मैं इनसे थोड़ा बोर हो चुकी हूँ। मार्केट में अच्छी अच्छी नई नई दिवाली पे मिलती है, वो अच्छी लगती हैं। मेरे पास बहुत सारी माला रखी हुई हैं ऐसी। आप भी इनको फेंकने की बजाय या किसी को देने की बजाय आप भी इन्हें रीयूज़ कर सकते हो। आपको बैम्बू में जितना बड़ा बनाना हो ना, इतनी आप इसको नीचे करती जाइए, उतना ही बड़ा बन जाएगा आपका स्टिक। जैसे कि मार्केट में स्टिक्स आती हैं फ्लावर्स की, इसमें फ्लावर्स की कटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको बना बनाया मिलता है। तो बस इसको आपको सिर्फ फिक्स करना है इसके अंदर। तो देखिए मैंने दोनों चीज़ें वही यूज़ किया जो मेरी माला में थी, और कुछ माला में ये बीड्स और ये वाले बीट्स भी थे, तो मैं इसको यहाँ पर टॉप पर ऐसे फंसा दूँगी ताकि ये यहाँ से निकले ही ना। तो ये अच्छे से फिक्स हो गया है इसमें स्टिक में। और ये देखिए गाइस, अगर ये यहाँ से कभी कभी लूज़ भी हो सकता है, कभी फिक्स भी हो सकता है, तो मैं इस पर ग्रीन टेप का यूज़ करूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए यहाँ पर।
टाइपली। ये आपकी रेडी हो गई है। उसे वहां से कट कर दिया। अब मैं बनाऊंगी एक दूसरे कलर की। मेरे पास एक ऑरेंज कलर की माला है, इसका भी मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ सेम मेथड से। पहले मैं इसे निकाल लूँगी। पहले मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। आप जहाँ जितनी लेंथ लेना चाहे उतनी लेंथ ले सकते हैं इसकी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लॉन्ग बनाना चाहते हैं कि शॉर्ट बनाना चाहते हैं। ऐसे मैंने इसे यहाँ पर फिक्स कर लिया। अब मैं इसमें फ्लावर्स डालना स्टार्ट करूँगी। तो मैं 2-2 फ्लावर्स ही लेकर बना रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो गाइस देखो, ये दूसरे कलर का भी बन चुका है। ये देखिए आप, और ये कितने प्यारे स्टिक्स लग रही है। ये देखिए, अभी मैंने कुछ आपके लिए पहले से भी बना के रेडी रखे थे। ये देखिए, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। स्पेशली कोरोना के चलते हम लोग घर में हैं सब, तो कुछ नया क्यों ना करें हम।